हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसी हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई, और उसके बाद मैंने IVF करवाया जिससे मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई और मेरे दो बेटे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पुरानी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाली है, जो भी मैंने बनाई है। इसमें मैं आपको बहुत अलग ऐसी पांच चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद नहीं करनी है। पांच चीज़ें हैं, बिल्कुल भी आपको ये मतलब लिख लेनी है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं हम करते हैं, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। हाँ हाँ बहन है, हेलो करो। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी एक्सरे नहीं करवाना है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। इस टाइम पे आपको जो हमारी एक्सरे की जो किरणें होती हैं ना, वो हमारी प्रेगनेंसी के लिए अच्छी नहीं है। आपको नहीं पता है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो जाओ। वेट ननू, क्या पता आप प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में एक्सरे प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं किया जाता है। ये अब हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है तो आपको पहले अपने डॉक्टर से बात करनी है, उसके बाद ही आपको कोई जो है चीज़ें मतलब कोई भी ऐसा काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इस टाइम पे आपको हेयर कलर नहीं करवाना है। 15 दिन है, रुक जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इससे आपको हेयर कलर से इन्फेक्शन हो सकती है। चाहे आप वो कलर रेगुलर करवा रहे हो, है ना, आपको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार केमिकल्स हैं यार, उनका कुछ हमें कोई ये तो है नहीं, है ना, तो उसका आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इन दिनों में आपको बिल्कुल भी अपना हेयर कलर वगैरह नहीं करवाना है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे डॉक्टर ने तो ये चीज़ बोली थी कि इन 15 दिन में या इन 16 दिनों में आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। डॉक्टर ने यह बात मुझे बोली थी और ये बात बिल्कुल सही भी है। आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको यही बात बोली जाएगी कि आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। मुझे ये मैसेज आता है, कमेंट आता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो में आपको बताऊं कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। चौथी चीज़ ये है कि आपको वैक्स नहीं करवानी है। जैसे हम अपने वैक्स हम करवाते ही हैं ना, अपने हमारी जो एक हाइजीन होता है उसके लिए हम वैक्स वगैरह करवाते हैं, तो वो हमें नहीं करवाना है। इस टाइम पे आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे आपको थोड़ी भी तकलीफ हो, समझ सकते हो ना। कई बार आप वैक्स करवा रहे हो, वो ज़्यादा गर्म है, आपके कोई छाला पड़ गया या फिर कुछ ऐसी कोई चीज़, कोई गर्म वैक्स आपके के ऊपर गिर गई या कुछ भी है। कई बार ग्रोथ ज़्यादा हो, ननू मत करना, ऐसे थोड़ी करते हैं, मम्मा वीडियो बना रही है ना। तो इस टाइम पे आपको वैक्स नहीं करवानी है। पांचवी और सबसे ज़रूरी बात है कि इस टाइम पे आपको अपने टूथ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि जब भी हम टूथ का कोई भी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा एक्सरे लिया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ये आज ना बड़ा शैतान बन रहा है, जब मैं बोल रही हूँ तब ये चीख रहा है। जब भी हम अपना टूथ का कोई भी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा एक्सरे किया जाता है। कोई बार कोई दर्द हो, मुझे याद है मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका उनकी प्रेगनेंसी थी, पता नहीं उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था और उनको बहुत ज़्यादा पेन थी, तो उनकी डॉक्टर ने ही बोल दिया था कि नहीं, मैं आपका आपको कोई भी दवाई वगैरह ऐसे नहीं दे सकती। मेरा भी जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, हाँ, उसके बाद मैं मम्मी के साथ गई थी डॉक्टर के पास, मम्मी को कोई दिक्कत थी तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे, मैं कहा मैंने भी अपना चेक करवाना है, मैंने ऐसे रूट कनाल वगैरह मेरा करवाना है, तो कह रहे कि नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम तक तो हम आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद अभी आप वेट करो, उसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें थी वो पांच जो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बिल्कुल नहीं करनी है। ये आप बातें बिल्कुल अलग हैं वीडियो जो मैंने पहले बनाई है उससे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी दे के ही गया होगा। अगर मिली है आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस वीडियो को शेयर कर देना, और मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।